सितारगंज में स्कूल बस और ट्रक के हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। बता दें आरटीओ ने चेकिंग के दौरान आधे दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर दिया है और उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों और पर बगैर किसी रियायत के वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। हाल ही में सितारगंज NH 74 पर एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें एक स्कूल की बस व ट्रक की भिड़ंत में करीब 22 छात्राएं गंभीर रूप से जो है उन्हें चोटें आई थी। वहीं एक शिक्षिका समेत 14 वर्षीय छात्रा की मृत्यु भी हो गई थी, जिस पर यातायात नियमों को तोड़ने वाले पर कार्रवाई के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सख्त निर्देश दिए थे। इसके साथ ही अनफिट बसों पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए थे। चेकिंग में स्कूल बस और वाहनों को सीज कर मंडी परिसर में खड़ा कराया गया है। वहीं ओवरलोड 12 वाहनों के चालान काटे गए हैं। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। में हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह की सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर मंडी परिषद में, 1 सरकड़ा चेक पोस्ट पर भी बंद की हमने, और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं।